पूजन अर्चन मैं ना जानू, जानू तेरा ध्यान। पूजन अर्चन मैं ना जानू, जानू तेरा ध्यान। विघ्नहारिणी पाप तारिणी, कर सबका कल्याण। तो आज हमारे शरीर की जो आसुरी शक्ति रहती है, जिस प्रकार हमने गीता में पढ़ा था, दैविक संपदा आसुरिक संपदा, फिजिकल फॉर्म में मदर को माता के रूप देखकर वही प्रतिबिंब अपने अंदर जागृत करना नवरात्रि का प्रथम सिद्धांत है। नव रात्रि, रात्रि आपके लिए आती है, नव हर रात्रि, लेकिन नई रात्रि नो आती है जो दो मौसमों के मिलने पर आती है। When two season join, that become नवरात्रि। तो बिग नवरात्रि, टुडे इज द सेवेंथ डे, इवन एट्थ डे ऑल्सो रनिंग, सप्तमी अष्टमी दोनों हैं आज, तो हम तो आज सेवंथ को सप्तमी को मनाएंगे, कल हम अष्टमी नवमी कर लेंगे। अब माँ के अलग अलग रूप आपने देखे होंगे, वी जस्ट रिकॉल योर फर्स्ट डे इज अ वेरी किल योर लेजीनेस, इंक्रीज योर एंथुसिएज्म। एक उत्साही माँ के पता लगता है जब घर में बच्चा होने वाला हो, माय गॉड, जो परिवार उस समय था, वह उत्साह का जागरण शैलपुत्री कराती है। और वह दो माँ के बच्चे को अंदर पेट में रखकर जो तप करती है, वह ब्रह्मचरणी तप करती है। चंद्र घंटा, इसी प्रकार अलग अलग ऊर्जाओं से बात की हमने। आज की ऊर्जा हमारी आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार चक्र पर निवास करने वाली काल रात्रि का दिवस है सप्तम। हमने आपको कहा था आखिरी के तीन दिन सत्व गुण के रहेंगे। देखिए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश, दिस इज द प्लेस वेयर वी किल अवर नेगेटिविटी इन अवर डिवाइन एस्ट्रोहीलिंग प्रोसेस। नॉर्मली फोकस हियर ए मेक ए सैंडविच इस थर्ड आई, थर्ड आई आज्ञा चक्र। यहां से आप जितनी भी नकारात्मक, किसी के प्रति क्रोध होता है आपको, तो आपकी दोनों भौहें ऐसी हो जाती है ना, तो इस क्रोध रूपी ऊर्जा को मारकर एक सजगता की ऊर्जा को जगाना काल रात्रि की मां का काम है। ये तीन दिन यहां से ऊर्जा सस्तधार चक्र पर आई, आज से यात्रा चालू हो गई। तीन दिन तमोगुण के, तीन दिन रजोगुण के और तीन दिन सत्वगुण के, वह तीन दिन सत्वगुण के प्रारंभ हुआ है। तो जो भी शरीर के अंदर आसुरी शक्ति है हमारी, आसुरी शक्ति तो बोले ये शुंभ निशुंभ का वट किया काल रात्रि माने, शुंभ निशुंभ मधु के टब रक्त बीजा, क्या है ये कई दैत्य के रूप में कहानी में हम पढ़ेंगे लाभ मिलता, लेकिन हम अपने अंदर के आसुरी शक्ति को पहचाने। क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, ये मधु के टप, मधु के टप और शुंभु निशुंभ, ये दैत्यों को मारने की, अंदर जो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, हमें भी किसी के प्रति राग रहता है, हमें भी किसी के प्रति द्वेष रहता है, हमें भी ना चाहकर भी हमें क्रोध आता है। एंड वेन एवर वी प्लान अनइंटेंशनली वी कम इन द एग्रेशन, व्हाई? बिकॉज वी आर अनेबल टू कंट्रोल अवर सेल्फ इन अ अवेयर मोड। टू कीप यू अवेयर मोड, द 9 days ऑफ द मदर फेस्टिवल विच इज रनिंग, अगेन टूडे इज द सेवंथ डे, the place of third eyes to travel your top of the head, sastadhar chakra, crown chakra. So again today we will bring the energy from down to top of the head, and all 3 days, today, tomorrow, day after tomorrow, will keep all energy on the sastadhar. In the sastadhar chakra there is no negativity, it is only sattva, and everybody want to peace in the sattva mode.
संभावा, नो हैप्पीनेस नो सॉरो। ओके, तो टुडे बिफोर वी गोइंग फर्दर सेशन, एज यूजली वी जो गुड द काल रात्रि टेम्पल दर्शन। काल रात्रि नॉर्मली यू मस्ट बी लिसन द काली माँ, ओ माय गॉड, अलोंग विद द ब्रेथ फायर इज ऑपरेटिंग। इतने बड़े बड़े असुरों का वध किया, तो आइए पहले हम काल रात्रि माँ के दर्शन करते हैं, जो कि मंदिर एक बिहार में भी, एक वाराणसी में। माँ कालिका के, माँ के दर्शन करके यू जस्ट प्रे कि आप में जो भी कभी कभी क्रोध आता है, जब भी लोभ आता है, जब भी किसी के प्रति द्वेष आता है, राग आता है, हे माँ हमें इससे मुक्त कर, और आने वाले समय में भी हमें ऐसा मुक्त रख कि हम किसी को देखकर हम क्रोध में ना आए, ना किसी की चीज को देखकर लोभ में आए, ना किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या में आए। यस, तो वेन एवर वी आर डूइंग द दर्शन, जस्ट प्रे फॉर दैट, हे माँ, हे मदर, प्लीज डिटॉक्स अवर सेल्फ बाय द ज्वेलसनेस, ईगो, एग्रेशन एंड ज्वेलसनेस। ओके, लेट्स ज्वाइन टुगेदर फॉर दर्शन। दर्शन के लिए हम चलते हैं काल रात्रि माँ के। विरोधिनी कालिका कालरात्रिश्च महाकाल नितंबिनी काल भैरव। मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है जी। कालिका गली में विरोधिनी कालिका कालरात्रिश्च महाकाल नितंबिनी काल मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है जी। सो टुडे जस्ट टॉक विथ योर सेल्फ नाइट, टॉक विथ योर सेल्फ वेन एवर यू आर इन द एग्रेशन, वेन यू आर सफर्ड बाय ज्वेलसनेस एंड ईगोइस्ट बिकम ईगोइस्ट। डिटेच ऑल योर दैट पास्ट इंप्रेशन जिसमें आप कभी काम क्रोध लोभ अहंकार में आए हो। यह दिन, यह त्यागने के दिन है, 9 दिन। दिन में जो त्यागना है आपको, यू जस्ट डिटेच योर सेल्फ कि आज के इस पल तक जब भी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से आप चाहकर या ना चाहकर आप आरती, ये आप मुक्त हो पुराने अतीत से। आज से कोई भी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से गुजरा हुआ फल वह साथ में लेकर नहीं चलना है, राइट? हाँ, हो गया। नाउ आई रिक्वेस्ट टुडे कृष्णन जी, कृष्णन जी इज गोइंग टू परफॉर्म व्हाट ही नो इट वेरी वेल। कृष्णन जी यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार गुरु जी, जस्ट एक्सप्लेन इन इंग्लिश व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म। यस, ब्लेसिंग्स। नमस्कार गुरु जी एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी, ऑल नमस्ते टू ऑल द डीएच फैमिली मेंबर्स। एज गुरु जी एक्सप्लेन्ड, दिस 9 डेज इज द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। But I thought, and today we also, witnessed the darshan of Kali Ma. So I just thought maybe I can recite a few verses of Lord Shiva. Is that okay, Guruji? Yeah, okay, okay. Okay, good. So I don't know how many of you have heard about Rudram. It's called the shlokas that I'll be reciting goes by different names. It goes by Rudram,
It goes by Sri Sri Rudram or Rudra Prashna, etc. So as you know, Sri Rudram is all about Lord Shiva. And the famous shloka or the thing that we recite, Om Namah Shivaya, is actually from Rudram. The origination of Om Namah Shivaya is from Rudram. So Rudram is such a powerful shloka about Lord Shiva that it was the first mantra that came into, shloka and mantra that came into existence about Lord Shiva. So it is revered with so much respect that all the Mahayajnas that are performed about Lord Shiva is done using Rudram. And there is also another shloka called the Chamakam, which goes along with Rudram. So there are two shlokas. One is Rudram, and another one is Chamakam. And these two shlokas are found in Krishna Yajurveda. So as you know, Krishna Yajurveda is all about mantras, spiritual practices. So Yajurveda has, I think, four sections. One section is Samhita, and then another one is Brahmanas, another one is Aranyakas, and another one is something else. So Samhita, the Samhita section is all about mantras. Brahmana section is all about, rituals and practices. Aranyakas is all about commentaries, on these rituals and practices. And the other Upanishads is all about spiritual knowledge, enlightenment, etc. So we'll chant the Rudram from the Taittiriya Samhita of Krishna Yajurveda. So Rudram is the first part of Rudram is also called Namakam. Namakam means. The reason why it's called Namakam means because the Namakam talks about Lord Shiva using the verses called Om Namo. So Om Namo is equivalent to Namakam. That's why it's called Namakam. The second part is called the Chamakam. Chamakam is about asking Lord Shiva about what we want. So, I'll chant the Chamakam later because it's both the Rudram and Chamakam are very long. It will take about, if you chant fast, it will take about 30 minutes. So maybe I'll chant the Chamakam, in another session. But Chamakam is all about, asking Lord Shiva about, give me this, give me that, give me this. And that's why the verses in Chamakam ends with Chame. So, Eka Chame, Rudrashchame, so it goes like that, and that's why it's called Chamakam. So even in Rudram, Rudram contains 11 sections. They are called Anuvakas. Each Anuvaka in Rudram, signifies a lot of things. For example, first Anuvaka, signifies, if you chant first Anuvaka, it's all about, Kavacham. It signifies, praying to Lord Shiva about protection. Second Anuvaka is all about Lord Shiva, praising Lord Shiva, and so on and so forth. So ninth Anuvaka is all about, praising Lord Shiva to get, to basically get children. And 11th Anuvaka, the last Anuvaka about Lord Shiva, is the best Anuvaka for describing or for propitiating Lord Shiva. And after doing that, then usually they chant Chamakam so that our wishes may be granted. And that's why you must have heard about Ati Rudra Mahayagna, where all the priests and pandits chant Rudram over a period of 3-4 days. They chant it about like 14,000 400 something times. So they chant Rudram and Chamakam 11 times in 11 times once, and then they chant another 11 times, and then they'll chant another 11 times. So totally over the period of 3-4 days, they chant this Rudram and Chamakam for 14,000 times,
and that is you know, Ati Rudra Mahayajna. So that is called Ati Rudra Mahayajna. So in Rudram, you know, the universities in the, there is one university in central US which has researched about, you know, Rudram, you know, why is it so powerful? Chanting Rudram once actually purifies your entire body and purifies the air among us. And it has been scientifically proven. And university in the central US, I forget the name, but they have researched what Rudram is all about, you know. Basically, it's a Sanskrit verse, but the key is the intonation part. It is said that when you recite Rudram plainly, it has no effect. But when you chant Rudram in an intonation, with the intonation, you know, that's where the vibrations have a lot of effect. So I try to do my best. And again, I apologize if I'm not chanting it properly, but I'll try to do my best. And Rudram, I'll also, because it's 11 verses, it's also very long. What I'll do is I'll chant the first five Anuvakas. The other five Anuvakas, I'm not very, I'll be very frank and honest, I'm not very confident about pronouncing it right. So I don't want to do it wrong. So I'll chant the first five Anuvakas. So you can see how it goes. And then and I promise that I'll come back in a later session, I'll chant the entire Rudram and I'll chant the entire Chamakam. And they say that, Rudram has, you know, it has, there are like a lot of scientific journals published about Rudram, and they say that Rudram has secrets. They have secrets encrypted in Rudram, secrets about preparing Ayurveda medicines for diseases that come in Kali Yuga. So for example, coronavirus, right? Like we know the coronavirus, we don't have any vaccine. People say we have vaccine, but it's not proven effective. But Rudram, so there might be many diseases in Kali Yuga that might come where we don't have any vaccines. But Rudram, they say that it has all the verses in Rudram. They have secrets for making Ayurveda medicines for, you know, for such diseases. So it is so powerful. It is not just about Lord Shiva, but it has other scientific, you know, benefits as well. So if I can ask Jayaji to translate what I said, and after she finishes, I can go and chant the Rudram. Jayaji, are you there? Yes, am I audible? Yes, you are. Shri Ganeshaya Namaha, Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaste to all, good morning. I mean, good evening. So, बहुत सारे चीजें कृष्णन जी ने बताया. दर्शन हो और वो, you know, शुरू करना चाहेंगे और कह रहे हैं कि इसमें ये कृष्ण यजुर्वेद से आई है. इसमें चार सेक्शन, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद. संहिता इस सब बारे में. ब्राह्मण इज जो रिचुअल और प्रोसीजर है वो, अरण्यक इज जो कॉमेंट्रीज है, कॉमेंटरीज, और उपनिषद है जो स्पिरिचुअल नॉलेज. रुद्रम फ्रॉम तैत्रेय संहिता फर्स्ट पार्ट, जो रुद्रम में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड नामकम, उसमें पूरा शिव का नाम की जप होती है. दूसरी पार्ट शामकम है, इसमें हम भगवान शिव से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं जो चीज हमें चाहिए. You are coming on the two screen. Yes, I'm having issue with audio, Guruji. Jayaji, maybe you are logged in from two devices, so that's why there is feedback on the audio. Now you say. Okay, let me log out of my laptop. I'm having issue with the camera. Let me log out of it and let me attempt this. Yes. Now you are. How is it now? हाँ भी ठीक है. बोलो जय. Okay, अभी ठीक है. Thank you. Sorry about.
रुद्र में 11 सेक्शन है, उसका नाम एक एक सेक्शन के नाम अनुवका है, और ईच अनुवका बहुत सारे यू नो सिग्निफिकेंस है उसमें, प्रामाण्यता है उसमें. पहला वाला है कवचम, हमारी प्रोटेक्शन के लिए. दूसरा वाला है हम भगवान शिव की यू नो प्रेज कर रहे हैं. और नाइन्थ वन, नवे वाला है भगवान शिव से बच्चों की बच्चे चाहिए तो उसका प्रार्थना करने के लिए, नवे अनुवका है सिग्निफिकेंस. ग्यारहवें में हम लॉर्ड शिव को प्लीज करने के लिए चैंट कर रहे हैं. तो ये रुद्रम में 11 अनुवकम है. उसके बाद चामकम की रिसाइटेशन होती है. वो बोल रहे हैं कि दोनों करने के लिए आधे घंटे लगेगा. अभी नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेशन में वो आके कभी चामकम की रिसाइटेशन करेंगे. और उसके साथ उन्होंने कहा कि अति रुद्र महायज्ञ, वो अति रुद्र एज द नेम इंडिकेट्स लॉन्ग वन, वो तीन या चार दिन over a period of 3 or 4 days में chanting होती है 14,000 बार, 14,000 बार 3 या 4 दिन में chanting. और यही central university US में, ये central एक university ने research किया है कि ये रुद्रम chanting से क्या benefit है. It benefits, you know, it purifies us within, and बाहर की air का भी purification होती है. सही इंटोनेशन से प्रणाम है, कहां हमें यू नो इंटोनेशन सही करनी है, तब वाइब्रेशंस जनरेट होती है, उससे हमारी शारीरिक शुद्धि होती है और बाहर के एनवायरनमेंट की शुद्धि भी होती है. और उन्होंने कहा कि रुद्रम में वी टॉक्ड अबाउट अनुवकास, और इसमें कहा कि रुद्रम में बहुत सारे गहरी सीक्रेट्स भी एम्बेडेड है. ये बस चैंटिंग नहीं है भगवान शिव को प्लीज करने के लिए, ये हमारी यू नो प्रार्थनाएं सब पूरी होने के लिए. इसमें आयुर्वेदिक की जो भी मेडिसिन्स है वो सब का सीक्रेट्स भी इसमें है, जिससे वो इवॉल्व हुई है. अभी उन्होंने एग्जांपल ये कहा कि अभी आप हम कोरोना वायरस के टाइम में हैं, बोल रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, बट वैक्सीन प्रूवन नहीं है. डिजीजेस के लिए भी उसमें कोडेड सीक्रेट्स है दैट हैज टू बी यू नो डिक्रिप्टेड फॉर द वैक्सीन एंड जो डिजीजेस. ये कब लिखा हुआ है रुद्रम, अभी कलयुग में जो आ रहे हैं उसका भी उसमें है. तो रुद्रम एंड चामकम इज वेरी पावरफुल. वो कह रहे हैं कि वो पहले फ्यू वर्सेस वो चैंट करेंगे. धन्यवाद. वेरी गुड, वेरी गुड. Thank you, Jayaji. So please close your eyes. The chanting will take around 10 minutes. 10 to 15 minutes. Om Jai Shri Sai. Om Namah Shivaya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Utota Ishave Namaha. Namaste Astu Danvane Bahubhya Mutate Namaha. याशा इशो शिवतमा बभूवते धनुः शिवाशरव्या या तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशं चापि काशशीः यामिशुं गिरिशन्तहस्ते पिबर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिगुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा चाकिरिच्छाच्छा वदामसि यथा न सर्वमिच्छ जगतो यत्सुमना असत् अद्य वोचतदिवक्ता प्रथमो दैव्योऽपिशक् अहेहिश्च सर्वाञ्चम्बयन् सर्वाश्च यातु तान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुषु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अपितो दिक्षश्रुता सहस्रसो वैशाहुं हेडहीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वमुपयोरार्त्नियोर्जां याश्च ते हस्त इषवपराता भगवो वप अवतत्वतनुस्त्वकुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं तनुर्कपर्दिनो विशल्योपानवागुम् उता अनेशन्नस्येशव आबुरस्य निशङ्गतिः
याते हेतुर्मि दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः दयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायाना तथाय तृष्णवे उपाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव तन्वने परिते तन्वनो हेतुरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो य इष्टदिष्टवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्य पशूनां पतये नमो नमो सस्पिञ्जराय त्विषीमते पतीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्यादिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय क्षपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चै घोषाया क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमो कृत्स्नवीताय दावते सत्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्यादिन आव्यादिनीनां पतये नमो नमः ककुबाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो सृकाभिभ्यो चिकागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमो इषुमद्भ्यो तन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्य प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयस्यद्भ्यो सृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विश्वद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यस्यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो तावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्य सभापतिर्भ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिर्भ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगनाभ्यस्त्रकुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिर्भ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्भ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिर्भ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतेभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यो सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगयुभ्यः शनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिर्भ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय शिशितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च
गिरीशाय शिशिपिविष्टाय च नमः मीडुष्टमाय च शुभमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते सहनीयसे च नमो वृद्धाय संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेशाशिराय च नमः शीघ्रियाय च शीप्याय च नमः ऊर्म्याय च वसन्वाय च नमः श्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो जगन्याय च पुत्न्याय च नमः शोप्याय च प्रतिशर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो ऊर्वय्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्वाय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आसुसेनाय च चातुरचाय च नमः शूर्याय च शबिन्दते च नमो वर्विने च वरुतिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ओम नमः शिवाय। Keep your eyes closed. Become aware of your third eye. अपनी आंखें बंद रखें, अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लें। Be with the chanting of Lord Shiva Rudram. Whole attention on your third eye. अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर whole attention on third eye. Think, imagine, feel. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, मूल आधार चक्र पर आपकी नासिकाएं हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरें, इनहेल फ्रॉम योर टेलबोन, अज्यूम योर नोस्ट्रिल्स आर देयर, लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल बाय थर्ड आई। थ्री ब्रेथ, now from second chakra, Svadhisthana chakra, assume your nostrils are there. Same three breath parallel with the spine. Reed ki haddi ke sahare Svadhisthana chakra se shwas bharte hue aagya chakra par khali karein. मणिपुर चक्र नेवल, इनहेल थ्री ब्रेथ फ्रॉम नेवल एरिया, एक्सहेल ऑन थर्ड आई। Now inhale from heart chakra, अपने हृदय चक्र पे नासिकाएं कल्पना करते हुए श्वास भरें और आज्ञा चक्र से बाहर करें। Oh.
उसी प्रकार विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र से तीन श्वास रिलीज करें थर्ड आईज पे। Whole attention on your third eye. All chakras energy on your third eye. जब भी आप कभी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या में आए हो, मनशागत या ना मनशागत, आज्ञा चक्र पर ध्यान रख पूरा समर्पण करें, सरेंडर योर ऑल इंसिडेंट इन द पास्ट, जेलसनेस, एग्रेशन, ईगो, सरेंडर्ड इन द मदर एनर्जी। Now, assume your nostrils are in a place of third eye, keeping attention on your third eye's inhale and exhale on the top of the head. Swastadhar chakra par तीन श्वासें आज्ञा चक्र से भरते हुए ऊपर की ओर जाने दें। पूरा ध्यान टॉप ऑफ द हेड स्वस्थचार चक्र। पूरा ध्यान सस्तदार चक्र पर, होल अटेंशन ऑन योर क्राउन चक्र। डोंट रेजिस्टेड एनीथिंग, जस्ट अटेंशन ऑन योर क्राउन चक्र टॉप ऑफ द हेड। कोई भी चीज नहीं रोके, विचारों को आने दें, भावनाओं को उठने दें, पूरा ध्यान स्वस्थधार चक्र क्राउन चक्र पर।
assume your eye in a place of Sahasrara Chakra. And just look your body from the top of the head. First row, second row, third row. एक साक्षी भाव से पूरे शरीर को देखें और देखते देखते पूरा ध्यान सहस्त्रधार चक्र पर दुर्गे नमो नमः काली दुर्गे नमो नमः काली दुर्गे नमो नमः Kali Durge Namo Nama Chakra Kundilini Namo Nama Chakra Kundalini Namo Nama Kali Durge Namo Nama Kali Durge Namo Nama Uma Parvati Namo Nama Uma Parvati Namo Nama Kali Durge Namo Nama Yadevi Sarva Bhuteshu Kalaratri Rupe Sastita Namastasai 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 Namo
रिलैक्स, become aware of your name, अपने नाम पर अपना ध्यान लेकर आए, इस नाम से जुड़े शरीर पर अपना ध्यान ले आए, become aware of your own body, along with an gratitude smile on this, कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपना समय लेते हुए अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes gradually as your time. Cover your glass by right hand and drink water. How was today's meditation? Good. Good, na? We feel connected because I also unable to open my eyes, na? But this I feel. It is all credit goes to the Rudram chanting. The combination today, the automatically the energies come. Shiva's energy. Because Shiva is half without power. Shiv Shakti. Normally, whenever you do any Shiva Darshan, you have to go any Mata's temple. And whenever you do any Mata's temple, just visit to any Shiva temple. The most of the time, you get the same. But if you are visiting any Shiva temple, you have to visit the Mata's temple. So, a last mantra, who is going to chant? Jayaji? You want to chant something? Just you also conclude yourself. Okay, be with the mantra chanting. Whatever she's chanting, don't go on there. Yes. Excuse me. Yeah. Pranam again, Guruji. Namaste to all. I'll be chanting Ashtalakshmi Stotram. Jaise naam batati hai, ye pure Ashtalakshmiyon ke baare mein gungan gaate hue hai. Ye Sanskrit mein hai. सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते पंकज वासिनी देवसु पूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी परिपा पालय मां आदिलक्ष्मी सदा परिपालय मां आदिलक्ष्मी सदा परिपालय मां आदिलक्ष्मी सदा परिपालय मां अयि कलि कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्यलक्ष्मी परिपालय मां धान्यलक्ष्मी सदा परिपालय मां धान्यलक्ष्मी सदा परिपालय मां धान्यलक्ष्मी सदा परिपालय मां जय वर वर्षिणी वै
कृष्ण विभार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिन शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी परिपालय माम धैर्यलक्ष्मी सदा परिपालय माम धैर्यलक्ष्मी सदा परिपालय माम धैर्यलक्ष्मी सदा परिपालय जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्व फल प्रद शास्त्रमये रद गज तुरग पदादि समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां अयि खगवाहिनी मोहिनी चक्र क्रीणी राग विवर्धिनि ज्ञानमये गुणगण वरादि लोकहिताशिनि सप्तस्वर भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी परिपालय मां संतान लक्ष्मी सदा परिपालय मां संतान लक्ष्मी सदा परिपालय मां संतान लक्ष्मी सदा परिपालय मां जय कमलासिनी सद्गति दायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानमये अनुदिन मर्चित कुंकुम धूषर भूषित वाषित वाद्यनुते कनक दरा सुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी परिपालय मां विजय लक्ष्मी सदा परिपालय मां विजय लक्ष्मी सदा परिपालय मां विजय लक्ष्मी सदा परिपालय मां प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी सदा परिपालय मां विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां धीमि धीमि धिंदिमि 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 धुंदु विनाद सुपूर्णमये घुम 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 शंखनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां आदिलक्ष्मी सदा पालय मां धान्यलक्ष्मी सदा पालय मां धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां गजलक्ष्मी सदा पालय मां संतानलक्ष्मी सदा पालय मां विजयलक्ष्मी सदा पालय मां विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी सदा पालय मां लक्ष्मी पालय मां सदा पालय मां लक्ष्मी पालय मां सदा पालय मां लक्ष्मी पालय मां सदा पालय मां अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णु वक्षस् स्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनी शंखचक्र
शुक्रगदाहस्ते विश्वरूपेणितजयः जगन्मात्री च मोहिण्यै मंगलं शुभमंगलं। जय माता दी। थैंक यू। वेरी ब्यूटिफुल। एंड द मीनिंग ऑफ दैट अष्टलक्ष्मी, माय गॉड, हाउ मेनी आई वांट टू से समथिंग। हु वांट टू से? एवरीबडी अप्रिशिएट जया जी, everybody appreciate you, really, just give a clap. Just I want to know, Jaya ji ne jo bola ashtalakshmi, ye kya hota hai? Aath prakar ki lakshmi boli, hum hamesha lakshmi ko keval paise se jodte hain, uske alawa aapke paas jo dusri lakshmiyan hain us pe hum dhyan hi nahi dete. Kon kon si lakshmi boli? देखो, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, और जो आपको वैभव लक्ष्मी तो आपको जो मिलता है पैसे का, इसके अलावा हम हमेशा पूरा ध्यान लक्ष्मी पे ही रखते हैं, उसको पैसों से। लेकिन नहीं, कई प्रकार की ऐसी हैं, सब्र आपको मिले, धैर्य आपको मिले, संतोष आपको मिले, संतान आपको मिले और अन्नपूर्णा आपको मिले। ये एक अष्ट लक्ष्मी का एक संदेश था। Yes, got it. So, just I want to say, today, can we go further 10 minutes, okay? आज काल रात्रि कर सकते ना? Yes, Basu, what do you want to say? Hello. Yes. Can you hear me? Yes, you are able. Yeah. So, whatever the Brahm he said, it's very, very researchable subject, and so many kind of encrypted things is over there. One thing, just giving you an information. If somebody can see the degree of the Saturn in his chart, if somebody can see, not a very complicated thing. So there's a degree over there, like 0 to 2 degree, 2 to 5 degree, 5 to 8, 8 to 10 degree, wherever the Saturn is, he can risk only that verse. This is very good for him. Like for 8 to 10 degree, he can use the third verse like that. Otherwise, the Sam Chame, Mayas Chame, Priyam Chame, Nakumas Chame, Kamas Chame, Samunas Chame, Padram Chame, Sriyas Chame, Vyas Chame, Yasas Chame, भाग्यास्य मे द्राविनाम च मे यन्ता च मे धृता च मे क्षेमास्य मे धृतिश्च मे विश्वांश्च मे मायाश्च मे संवीचाश्च मे नात्राम च मे सुसाश्च मे प्रसुसाश्च मे सीराम च मे नायाश्च मे तम च मे मित्राम च मे याक्षमान च मे नायाचा च मे जीवास्तुश्च मे दीर्घायुत च मे नामित्रम च मे भायाम च मे सुगम च मे सायनाम च मे सुसाश्च मे सुदीनाम चमे। ओम नमो भगवते रुद्रायो। ओम शांति शांति शांति। दिस वर्स कैन रिसाइट एनीबॉडी एल्स। सो यू वांट टू से दैट रुद्रम कैन बी चेंज्ड बाय द ओनली पर्सन हु इज कैरिंग द यू फर्स्ट ही हैज टू चेक द डिग्री, राइट? आप डिग्री चेक करना चाहिए। या डिग्री वाइज देयर आर 11 काइंड ऑफ वर्स इज देयर इन द रुद्रम, and over there there is some degree, that is 2 to 5 degree. From 2 to 5 degree, if somebody Saturn is there, he can recite the second verse. It's like that. From 0 to 2 degree is the first verse. And otherwise, if somebody want to chant the Sam Chame, Mayas Chame, what I told, this is for everybody. This is good for chanting. नहीं, आपने मुझे degree wise बताया Saturn की, तो हमारे चुजे लोगों को मालूम है Saturn की degree क्या क्या है? 14 to 17, ये इसमें क्या? Hello. हाँ. तो गुरुजी, या टेल मी? आपने बताया बेटा डिग्री जीरो से, तो बाकी जो 10 के ऊपर वाले रहते हैं 14 से 17, तो इनके लिए क्या होगा? सब सेम? या या या, दिस वर्स इज फॉर एवरीबॉडी, द सेम मास चमे। अदरवाइज द पर्सन हैव टू सी द डिग्री ऑफ द सैटर्न इज इन द चार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वर्स ही कैन चार्ट, ही कैन चैंट दैट। देयर आर 11 काइंड ऑफ वर्सेस देयर।
Rudra Nakam Chamakam. From that, he can recite that. It's good for them. Okay, so everybody tomorrow come along with the Saturn degree. Okay, how much degree said? Tomorrow again, Krishnanji, I request you, are you able to come tomorrow? Are you able to enjoy weekend? Yes. Krishnan, are you able to join tomorrow? Yes, I unmute you already. Yes, Guruji. Yes. Basu, you also come. So because tomorrow is our eighth day and 8th, 9th both are dying. So we will continue for the 9 days. So eighth day, we little bit Rudram chanting more. Another session. Right? Because whenever we go in the sattva mode, 7, 8, 9, along with the Devi prayer, always, always, always any Rudram. So whenever we get tomorrow again, if you are possible for you just do it for 5 minutes again, second part. Either Basu, anybody you do. Achha, listen, today is Kalratri. What time am I giving? You just keep on right hand on your top of the head. Right? Just when you go to sleep, that time you have to do it. Aap jab raat ko sone jaye, tab aapko ye karna hai. Ye aapke seedhe haath ki teen ungliyan aapke top of the head pe rakhenge. Hai na? Aur left hand ki third eye, ye aapka jo thumb hai, thumb, iske upar rakhenge. Right? Aap dekh le mujhko ek baar, hai na? Main aapko. Or you just do the tika to yourself on. Till the forehead. आप जैसे अपने आप को टीका करते हैं ना, तो टीका थर्ड आई से लेके पूरा लॉन्ग थंब तक लेके जाना, पीछे हेड तक, जब तक आपका हाथ नहीं मिल जाए वो. अंडरस्टैंड? ओके. कीप द फिंगर ऑन द टॉप ऑफ द हेड व्हेन यू गो टू स्लीप नाइट. ओके. एंड कीप वन फिंगर जेंटली एंड थर्ड आई एंड जॉइन. आई वॉन्ट दैट थर्ड आई एंड सेवन चक्र विल जॉइन टू नाइट. है ना? तो आपका ये चक्र यहां से निकलकर पूरा थंब आपको वहां पर लेकर जाना है. एंड थोड़ी देर आंखें बंद करके वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द माता, जो भी आप चाहते हैं उनसे मांगकर 11 बार श्वास अपने सहस्त्रधार चक्र पर ध्यान रख के सोना है. इट किल योर ऑल द प्लैनेट. ये आपकी समस्त नकारात्मकता को मारेगा. रात का काम नवरात्रि इन द नाइट व्हेन वी आई एम श्योर ये ऊर्जा हमारी ऊपर तक आई है. आप कितना महसूस कर पा रहे नहीं, लेकिन आज रात को सोते वक्त काल रात्रि का दिन हाथ यहां रखना है टॉप ऑफ द हेड, मतलब जो मस्तक है, और एक थंब को लेकर रब करते हुए पीछे तक ले जाना है, आंखें बंद करना है, सस्तधार चक्र पर ध्यान रखना है एंड फील द रोटेशन ऑफ. आप जो जहां पर आपका थंब से लेकर ऊपर तक गया उस स्थान को याद करेंगे और यू फील सम वाइब्रेशन देयर एंड ऑन द सहस्त्रधार चक्र होल्ड अटेंशन 11 टाइम व्हाट एवर यू वांट. अगर आप मन में कुछ भी नहीं आता, विचार नहीं आता, तो जस्ट डोंट ट्राई टू आस्क. इफ अगर पेन आ रहा, कोई आपको आ रहा है, इफ एनी डिजायर्स कमिंग दिस ओके, इफ नो डिजायर कमिंग just surrender yourself and without opening your eyes just sleep down. Kitne logon ne kiya tha kal? How many did? Wow, you just see the magic. We talk on the Navratri 9 days. Jab nau kaam day after tomorrow karenge 9 days ko tab aap dekhna iska impact kya padta hai. Kyunki ye 3 din humne jo hamare 6 din ki mehnat kari, ye 3 din mein humne पकवान बना के बोलते हैं, कोई काम करते हैं तो उत्सव मनाते हैं, ये हम उत्सव मनाएंगे हमारी ऊर्जा को लेकर. और आप देखेंगे और उस वक्त मैं आपको बोलूंगा ब्रेथ लेने का, तो आपको ऐसा लगेगा ये जगह खाली हो गई. जस्ट फील इट इज नथिंग, इट इज ओनली कुंडलिनी अवेकनिंग. इसको कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने कर दिया, शास्त्र का ग्रंथों के नाम दे दे के अलग. बहुत सरल है, आपको आपके शरीर के अंगों से बात करना, जिस शरीर के एक एक अंगों की रक्षा देवी कर रही है कवच के रूप में. अरे वो साक्षी भाव से वहां जाना है, बस आपको जाने की देर है बस. ओके, कल मिलते हैं 8:30 बजे पुनः. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें,
ममता मई रहे और अपने में स्वयं में आप नौ मात्रा की माता की उपस्थिति देखेंगे। शेल पुत्री से कभी कभी आप शेल पुत्री मोड में होते, कभी ब्रह्मचरणी मोड में होते हो, कभी आप कुष्मांडा में चंद्र घंटा में रहते हो, कभी कुष्मांडा में रहते हो, और कभी कभी गुस्से में आ जाते हो बच्चे में तो काल रात्रि भी बन जाते। तो ऑल एनर्जीज आर लाइन बट आवर मेन इंटेंशन टू किल द एनर्जी एंड कीप इन द सेम सम भाव, नो पेन नो सॉरो नो हैप्पीनेस इक्वल। एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट योर वॉचिंग योर लाइफ एज ए व्यूअर, एक साक्षी भाव जब भी आएगा आप में, सभी संभव हो जाए, है ना। नमस्कार, जय माता दी, मिलते हैं कल 8:30 बजे।